गांव में सभी देवी माता की मेला के लिए पूरा गांव सजाते हुए पताका दिए और बातियां लगा रहे हैं। अनीता और सोमेश गांव पहुंचते हैं। यात्रा करके आप और अनीता थक गए होंगे, थोड़ी देर आप सो जाइए। सोमेश और अनीता सो जाते हैं। गांव के सभी लोग त्रिकुटा देवी की मूर्ति के पास सजावट करते समय जोर से हंसी सुनाई देती है। उस हंसी को सुनकर सारे गांव वाले डर के मारे सब काम वहीं के वहीं छोड़कर त्रिकुटा देवी की मूर्ति के पीछे एक दूसरे का हाथ थामे हुए डर से कांप रहे हैं। मंजरा का, वो मंजरा का की आवाज है। मंजरा का फिर से आ गया, भगवान रक्षा कीजिए। मंजरा का, मंजरा का वो आ गया है। त्रिकुटा देवी हमारी रक्षा कीजिए माँ। उस भयंकर हंसी से अनीता नींद से जागकर देखने पर बगल में पिताजी नहीं थे। पिताजी कहाँ हैं आप? पिताजी, 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 पिताजी। ऐसा कहते हुए सोमेश की तलाश में देवी त्रिकुटा की मूर्ति के पास आकर बताती है कि उसके पिता दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारे गांव वाले सोमेश को ढूंढते हैं। आगे अनीता, नानी, पीछे ग्राम प्रधान और उनके पीछे गांव वाले। ढूंढते ढूंढते सरहद की तरफ आकर देखने पर सोमेश दूर पर पीछे मुड़कर खड़ा है। ये देखकर अनीता, पिताजी, पिताजी। सोमेश आगे मुड़कर हंसता है। सोमेश सिर से पांव तक मंजकारा की तरह बदल गया। रीव फट, पंच प्रेता के अधीन। मंजराका के बाएं हाथ से पांच भूत आए, हवा में उड़कर गांव में आकर सभी के देखते ही देखते एक ग्रामीण को हवा में उठाकर ले जाकर मंजराका के सामने। महातांत्रिक मंजराका सिद्धि खड़गम अधीन, महान तांत्रिक मंजरा का, ये मेरा आगमन है। अब आप लोगों की मृत्यु का समय है। क्या कर लेगी तुम्हारी ये देवी त्रिकुटा? मंजरा का, मंजरा का, मंजरा का। सभी ग्रामीण देवी त्रिकुटा की मूर्ति को देखकर प्रणाम करते हैं। मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए, बचाइए हमें माँ, बचाइए। कल अमावस्या है, हम सबको वही त्रिकुटा देवी जरूर बचाएंगी। सभी ग्रामीण धैर्य धारण कर फिर से देवी माँ के मेले में काम शुरू कर देते हैं। मंत्र जाप करते हुए देवी शक्ति रखने वाली बूढ़ी काकी अपनी आंखें खोलकर उठकर गांव में त्रिकुटा की मूर्ति के पास आकर देवी को नमन करती है। सब सुनिए, मंजरा का कल देवी माँ की पूजा को रोकने और सबकी बलि देने का हर एक संभव प्रयत्न करेगा। चाहे जान जाए या कुछ भी हो जाए, हर हाल में ये मेला संपन्न होना चाहिए। ठीक है। बूढ़ी काकी कुछ ग्रामीणों को मंत्र जल देती है। आप लोग सब गांव के सरहद में रहिए, जैसे ही कोई भूत आता है तो मंत्र जल छिड़क दीजिए। ठीक है दादी, दादी। सबके देखते हुए ही गांव के सरहद में तीनों भूतों को प्रवेश करते देख गांव वाले भूतों पर मंत्र जल छिड़कते वे भस्म हो जाते हैं। मेरी शक्तियों को रोकोगे? ग्रीम, ग्रीम, तक, महाशक्ति, महातांत्रिक, मंजकारा अधीन। मंजकारा के बाएं हाथ से असंख्य भूत आकर हवा में उड़कर देवी माँ के मेले के लिए तैयार की गई चीजों और सब सजावट बिखेर देती है। गांव के सरहद पर हवा में उड़ रहे उन भूतों के बीच से मंजराका आकर
देखा, मैंने तुम सबकी आंखों में डर, तुम सबका मेरे हाथों मरना तय है। मंजरा का तुम सबकी मौत बनकर आया है और ये दुनिया मेरी है। मंजरा का कल अमावस्या के दिन बलि देने के लिए यज्ञ शुरू करता है। ये देख, ग्रामीण दैव्य शक्ति रखने वाली बूढ़ी काकी के पास जाकर, काकी क्या मंजराका से बचने का कोई रास्ता नहीं है? त्रिकुटा देवी का मेला नहीं होगा? बूढ़ी काकी ने अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान में चली गई, फिर अपनी आंखें खोली। मंजराका का अंत इतना आसान नहीं है। कुछ ग्राम के लोग गांव के सरहद पे रहकर भूतों के आने पर इस मंत्र जल को छिड़क दीजिए। याद रखना, ये केवल भूत है, वो भी जब तक वो मंत्र जल रहेगा तब तक ही हम उसको रोक सकते हैं। आप जल्दी पूजा कीजिए, क्योंकि मंजराका को रोकना बहुत कठिन है। किसी भी परिस्थिति में आप अपने प्रयास को मत रोकिए। कुछ ग्रामीणों को मंत्र जल देकर बूढ़ी काकी त्रिकुटा देवी की मूर्ति के पास ध्यान में बैठी है। सरहद के पास मंजराका की हंसी सुनाई देती है। भूत हवा में उड़कर गांव में प्रवेश करते समय ग्रामीण मंत्र जल भूतों के ऊपर छिड़कते हैं। भूत भस्म हो जाते हैं, फिर और तीन भूत आते हैं। मंत्र जल छिड़कते ही वे सभी भस्म हो जाते हैं, फिर और तीन भूत आते हैं। मंत्र जल खत्म हो गया, वे तीन भूत गांव में प्रवेश कर सरहद पर स्थित गांव वालों को हवा में उठा लिए, मंजराका के यज्ञ हवन में डालकर उन्हें मार दिए। शाम हो रही थी, सभी ग्रामीण त्रिकुटा देवी के सामने सैकड़ों दीप जलाते हैं। जब सभी ग्रामीण त्रिकुटा देवी की मूर्ति के पास खड़े होकर प्रणाम कर रहे होते हैं, तभी गांव के सरहद पर हवा में सैकड़ों भूत उड़ते हैं। उन भूतों के आगे मंजराका चलते हुए पीछे भूतों के साथ गांव में कदम रखता है। सभी भूत गांव में आकर सभी ग्रामीणों को हवा में उठाकर पकड़ते हैं। बूढ़ी काकी के गोद में अनीता बैठी है। बूढ़ी काकी के चारों ओर प्रकाश के रूप में ऊर्जा का एक चक्र घिरा हुआ है। मंजराका ने अपनी तांत्रिक शक्ति से एक बड़ा गड्ढा बनाया, उसमें आग की बड़ी लपटें लगाई। हे भूत, पिशाच, कृतात्माओं, अपने हाथों में पकड़े उन लोगों को आग के लपटों में फेंक दो। जब वे भूत प्रेत उस आग में सभी ग्रामीणों को फेंकने जा रहे थे, अनीता को मंजराका उनके पिता सुमेश की तरह दिखता है। पिताजी, पिताजी, पिताजी! अनीता अचानक बूढ़ी काकी की गोद से उठकर शक्ति के उस प्रकाश घेरे को पार कर दौड़ते दौड़ते वो मंजराका के पास जाकर उसके पैर पकड़ लेती है। नहीं पिताजी, किसी को कुछ मत कर रही है, उन लोगों को छोड़ दीजिए। मंजराका अपने पैरों से अनीता को लात मारता है। अनीता हवा में उड़कर त्रिकुटा देवी की मूर्ति के सामने गिरती है। गिरते हुए त्रिकुटा देवी के चरणों में अनीता का सर जोर से टकराता है। खून त्रिकुटा के चरणों पर गिरता है। मंजराका, तुम्हारे अंत का शुरुआत है। रक्त त्रिकुटा की मूर्ति को छूते ही चरणों से सिर तक मानव रूप में बदलकर त्रिकुटा के हाथ में ज्योति जलाकर त्रिकुटा के पीछे स्थित दो जानवर हवा में उड़ते हैं और हवा में उड़ते उड़ते उन सभी भूतों को मार डालते हैं। सारे गांव वाले नीचे गिरकर एक ही जगह पहुंचते हैं। बूढ़ी काकी अनीता को उठाकर अपने गोद में लेकर दूर खड़ी होकर देखती है। त्रिकुटा उग्र रूप धारण कर त्रिशूल से मंजराका को सरकार देती है। सिर उड़कर मंजराका द्वारा बनाई गई आग में गिरकर फट जाता है। त्रिकुटा फिर से मूर्ति में बदल गई। सभी त्रिकुटा देवी की मूर्ति को नमन करते हैं, फूलों से पूजा कर दीप जलाकर दीपों को हाथों में उठाते हैं। उन दीपों की रोशनी में त्रिकुटा का तेजस्वी रूप दिखाई देता है। बेटी अनीता, किरीश चाचा तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, मैं जल्दी ही जाऊंगी। अनीता और गिरीश कार में जा रहे थे। मेरे पिताजी और नहीं आएंगे चाचा। रो मत अनीता, तुम्हारे पिता अब नहीं आएंगे। कार के शीशे से पिछली सीट पर बैठे पिताजी सिर्फ अनीता को ही दिखाई दे रहे हैं। बेटी अनीता, मैं आऊंगा,
जरूर आऊंगा। ठीक है पिताजी, मैं आपका इंतजार करूंगी। किससे बात कर रही हो बेटी? अपने पिताजी से चाचा जी। फिर गांव वालों को भयंकर तांत्रिक मंजराका की हंसी सुनाई देती है। सभी लोग डरकर अपने अपने घरों में भागते हुए बाहर निकलकर देखने पर सरहद पर बिना सिर के भूत हवा में है। बिना सर के मंजराका उन भूतों के बीच में खड़ा है। मंजराका, मंजराका, महातांत्रिक, आप लोगों की देवी त्रिकुटा की अब कूट कूट कूट। मंजराका, मंजराका।